हेलो मेरा भाई बहनों सबका क्या हाल चाल आज की क्लास में सभी का स्वागत है थोड़ी देर में मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जब तक आप अपने सारे दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दो फिर हम स्टार्ट करते हैं टाइम हो रहा है पाँच बज के छः मिनट अप्रॉक्स ठीक है आज छः मिनट लेट हो गई क्लास बट अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ी देर में क्लास हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू कोच आज के सेशन में हम लोग

कि आप उसको एक बार खुद से एटलीस्ट ट्राई करें देखो क्या होता है ना मैंने आपको जितनी भी चीज़ें कराई है उससे पहली चीज़ तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सेकेंड चीज ये होगी कि आप सोल्यूशन को देख के सोल्यूशन को देख के आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे अगर आप कहीं अटकते भी हैं तो आप एक बार सोल्यूशन देखेंगे तो आपको सोल्यूशन समझ आएगा

जेवी क्लब है रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है 31 मार्च 2022 के लिए ठीक है जी सर अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैश इन हैंड है ये ओपनिंग है ये भी ओपनिंग है ठीक है रिसीड एंड पेमेंट अकाउंट का जो ट्रीटमेंट आप सभी को पता है जो नेचर होता है इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है एक कैश अकाउंट की तरह होता है कैश तो अकाउंट की तरह होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर रियल फ्लो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं या माइनस होती है चीजें उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं कुछ भी चीज हम लोग यहाँ एस्टिमेशन पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं ये सभी क्लियर होगी बात पहले से ही मैं बहुत लेक्चर से आपको ये बात समझा और बता रहा सैलरी दे रखी है रिपेयर एक्सपेंस दे रखे हैं तो आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में अगर मुझे सैलरी दी है तो ये सैलरी एक्चुअल होगी एक्चुअल होने का क्या मतलब है कि सर ये वो सैलरी होगी जो मैंने एक्चुअली में क्या की है पे की है इसके अंदर कोई भी आउटस्टैंडिंग कोई भी एडवांस जैसी चीज नहीं होगी ठीक है रिपेयर एक्सपेंस के साथ भी सेम चीज है डोनेशन दे रखा है सब्सक्रिप्शन दे रखा है मेरे सामने एंट्रेंस फी दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेल ऑफ़ ओल्ड न्यूज़पेपर, ड्रामा टिकट की सेल के टिकट की वैल्यू दे रखी है, फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मिसले एक्सपेंस इंश्योरेंस प्रीमियम बिलराइड टेबल एंड अदर स्पोर्ट्स आइटम्स स्टेशनरी एक्सपेंस ड्रामा एक्सपेंस कैश इन हैंड और कैश इट अब तो कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन है तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या लिखा है इक्कीस बाईस का एडवांस है पैंतीस सौ रुपए लेकिन ये बाईस तेईस का है तो आपको पता है कि आप जिस ईयर में है अभी ये करंट ईयर है आपका ये करंट ईयर है तो ये प्रीवियस ईयर हुआ और ये अपकमिंग ईयर मतलब

एंड का है ना यही हम लोग अभी तक सीखते हैं तो हमारा करंट ईयर क्वेश्चन में क्या है आप सबसे पहले समझ लें इकतीस तीन दो हजार बाईस है तो इक्कीस से बाईस आपका इस क्वेश्चन के अंदर पीरियड है अकाउंटिंग पीरियड आपका इक्कीस बाईस है तब एक अप्रैल दो हजार इक्कीस से शुरू हो गया इकतीस मार्च दो हजार बाईस तक का ठीक है थीके? तो इक्कीस बाईस का ही आपको एरियर दे रखा है नौ हजार रुपए तो ये जो एरियर है ये कौन सा हो गया आउटस्टैंडिंग एट एंड एडवांस दे रखा है 22 दे तो इक्कीस बाईस में आप चल रहे हैं और 22 तेईस का आपको दे रखा है तो ये भी एडवांस करंट ईयर का ये तो ये जो आपने यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा पे किया है दो हजार रुपए इसके अंदर आउटस्टैंडिंग इंक्लूड नहीं है तो आपको ये बताया गया है कि चार सौ रुपये आउटस्टैंडिंग है अभी ठीक है और प्रीपेड है पचास परसेंट कैपिटलाइज होगी कैपिटलाइज मतलब सिंपल है यार कैपिटल नेचर की होगी पचास परसेंट आप मोटा मोटा ये समझो और बाकी की बची पचास परसेंट रेवेन्यू नेचर की होगी इससे क्या होगा रिवेन्यू नेचर की एंट्रीज को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे कैपिटलाइज को हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे तो वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देगी एंट्रेंस फीस टू रेवेन्यू इनकम ठीक है एंट्रेंस फीस रिवेन्यू इनकम है एंट्रेंस फीस मैंने आपको बताई थी कि एंट्रेंस फीस वन टाइम होती है अगर तो वो कैपिटल नेचर की मानी जाती है है ना सर वो क्या मानी जाती है अगर वन टाइम होती है तो ये क्या मानी जाती है ये मानी जाती है देन कैपिटल नेचर की बट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है one time है recurring है वन टाइम कि रिकरिंग तो क्लैरिफाई कर दिया कि ये रेवेन्यू नेचर की है और होपफुली एग्जाम में भी ऐसा ही वो करके देंगे एट परसेंट अक्रूड एट परसेंट इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर फाइव मंथ ठीक है जी आपने इन्वेस्टमेंट कहीं की हुई है ये देखो

Not yet received. ठीक है uh, बिल यार टेबल एंड अदर स्पोर्ट इक्विपमेंट कॉस्टिंग तीन लाख वर परचेज इन फाइनेंशियल ईयर बीस इक्कीस एंड ऑफ विच अस्सी हजार वॉज नॉट पेड अब देखो यहाँ पे ना बहुत इंस्टीट्यूट गलतियाँ करता है मुझे लगा था कि सिलेबस बाईस जब आएगा तो रेक्टिफिकेशन थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी क्योंकि तो इन्होंने अपना प्रिंट प्रिंटर जो है वो बदला है पब्लिशर्स

तो करंट ईयर में आपने पे कर दिया अस्सी हजार आपका अभी आउटस्टैंडिंग है इसकी पेमेंट की कोई जानकारी नहीं है देर इज नो चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन टू बी कंसिडर्ड बस कोई डेप्रिसिएशन नहीं है हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है तो आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ से शुरू करते हैं सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग शुरू करते हैं हमारी सब्सक्रिप्शन से ठीक तो है तो सब्सक्रिप्शन हमारे यहाँ पे एक लाख बीस हजार मुझे दिखाई दे रही है और ये वो है जो मेरे को रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एक लाख बीस हजार रुपए

इसका फटाफट से वन करके साइज चलो मैंने एडजस्टमेंट नंबर वन में आपको बताया फर्स्ट एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया कि सब्सक्रिप्शन आपको सिंपली नौ हजार वाली आउटस्टैंडिंग है और यह वाली एडवांस है तो आउटस्टैंडिंग एड होती है एडवांस लेस होती है अनलेस इट इज एट द एंड बिगिनिंग वाली का अपोजिट होता सेकंड है 400 सौ इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपका वो आपका आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको जोड़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने देखो गलत तरीके से दिखाया है ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कभी भी जो भी आपने पे कर दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम ठीक है इंश्योरेंस प्रीमियम आप ऐसे दिखाते दो हजार प्लस आउटस्टैंडिंग चार सौ फिर यहाँ पे ऐसे डबल आप लाइंस लगाते उसके बाद चौबीस सौ लिखते इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग दिस इज नॉट द वे टू डू इट बट इन्होंने किया है आप ये भी मान सकते हो बट जो मैंने सही तरीका आपको बताया आप वो करें तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट नंबर ठीक है इसके बाद एक्सपेंस प्रीपेड है नौ सौ प्रीपेड है तो आप इसको माइनस कर देंगे ठीक है अब ये देखो यार इन्होंने पता नहीं किस तरीके से लिखा है भाई ऐसे होता है पांच हजार माइनस का साइन लगा के नौ सौ लिखते और फिर यहाँ पे इकतालीस सौ रुपये हमारा पूरा हो जाता प्रीपेड की तरह हम दिखा देते तो ये एडजस्टमेंट नंबर थ्री हो गई ये वन टू और थ्री हो गई फिफ्टी परसेंट ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज मतलब पचास परसेंट ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखानी है तो ये डोनेशन का पचास परसेंट ही दिखाएंगे हम लोग ठीक है और आप ऐसा भी दिखा सकते हो उसको कि डोनेशन आपको कितनी मिली है टोटल पचास हजार रुपए की मिली है तो आप यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो पचास हजार माइनस कैपिटलाइज पच्चीस हजार तो यहाँ पे आप पच्चीस हजार रुपए का अमाउंट ऐसे दिखा सकते हो ठीक है तो ये एडजस्टमेंट हो गई आपकी

ये साठ हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है इसका आठ परसेंट निकालो पाँच महीने के लिए ठीक है पाँच महीने के लिए तो ये नीचे इन्होंने कैलकुलेशन की होगी मेरे ख्याल से जहाँ तक ये रही आठ परसेंट पाँच महीने के लिए प्लस हज़ार रुपये ठीक है तो ये इंटरेस्ट आपको हज़ार रुपये तो मिल गया और पाँच महीने का अक्रू हो गया तो पाँच महीने का अक्रू हो गया मतलब टोटल आपको छः महीने का इंटरेस्ट जो है वो रिसीव होना चाहिए था जिसमें से खाली एक महीने का रिसीव हो गया है और पाँच महीने का जो है वो आपका अक्रू हुआ है क्या हुआ है अक्रू हुआ है ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे ये बात आप समझ के चलेंगे यहाँ से तो आप हजार रुपये उसमें जोड़ोगे ही लेकिन इस तरह जोड़ के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाई आप ऐसे दिखाओ इंटरेस्ट रिसीव हजार रुपये प्लस अक्रूड आपका हो गया अक्रूड आएगा, आएगा आपका दो हजार तो आप दोनों को जोड़ के फिर लाइन लगा के यहाँ पे तीन हजार ऐसे लिखेंगे फॉर्मेटिंग में बेहिसाब गलतियां हैं

अस्सी हज़ार रुपये नहीं पे किए हैं इस साल तक तो कोई बात नहीं अगर हमने पे नहीं किए हैं तो हम उसे नहीं दिखाएंगे और डेप्रिसिएशन हमें नहीं लगानी अगर हमें डेप्रिसिएशन लगानी होती ना मेरे भाई तो इस कॉस्ट को हम लोग कंसिडर करते हैं अस्सी जो हमने पे अभी नहीं किए हैं ठीक है अब यहाँ आ जाओ बैलेंस शीट में इसका फर्क पड़ेगा ये तीन लाख रुपये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना ये तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है ठीक है और ये आपकी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये तीन लाख रुपए की यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये अस्सी हज़ार रुपये आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहे ठीक है क्लियर है यहाँ तक बट मुझे एक सेकंड रुको देखने दो इन्होंने किया क्या है यहाँ पे गड़बड़ मुझे थोड़ा इनका पॉइंट लग रहा है कि आपने इकतीस तीन अच्छा इकतीस तीन दो तक पे नहीं किया था तो ये पुरानी ओपनिंग बैलेंस शीट में ही खाली दिखाई देगा अगर ये बाईस होता तो ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाई देता क्योंकि ये खाली इक्कीस तक ही था तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ही हाउस टेल्डिंग दिखाई देगा और कहीं इसका ट्रीटमेंट नहीं करता मेरे भाई तो ये अस्सी हज़ार रुपये का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बस और कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है बाकी सारे आइटम एज इट इज उठा के डाल दो और डिफरेंस निकाल दो और बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी क्योंकि बैलेंस शीट में कुछ है नहीं ओपनिंग आपने बना ली कैपिटल फंड निकाल लिया आपने ठीक है कैपिटल फंड एक बार निकल गया उसके बाद ओपनिंग कैपिटल फंड में आप डोनेशन जोड़ोगे ये आपकी वो डोनेशन है जो आपने कैपिटलाइज करने की बात करी थी तो पचास परसेंट तो वहाँ गई और पचास परसेंट यहाँ पे आ गई ठीक है और ये प्रॉफिट आपने इसमें जोड़ दिया ये हो गया और ये एडवांस ये सब्सक्राइबर इन एडवांस लिखा है सब्सक्रिप्शन लिखना चाहिए वैसे तो लेकिन टर्मोलॉजी का कोई ध्यान नहीं रखा फॉर्मेटिंग का कोई ध्यान नहीं रखा आउटस्टैंडिंग यहाँ पे दिखा दिया अच्छा किसी बच्चे को ना ये दिक्कत हो ना कि यार यहाँ पे एडवांस क्यों दिखाया है अगर सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल जाती है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है ये बात ध्यान रखना कैश इन हैंड बैंक इन्वेस्टमेंट अक्रूड इंटरेस्ट आप जोड़ दोगे इसके अंदर चाहो तो ना भी जोड़ो आप यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट दिखा सकते हो ये अपने आप से अपने मन से चीजें कर रहे हैं मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोलता कि आपको उसका अंक्रूड इंटरेस्ट जो है वो जोड़ के ही दिखाना है वो भी आपको ऑप्शन देता है कि आप लाइबिलिटी सॉरी असेट में मैंने भी गलत लिख दिया भाई इनके ओहो आप इसको ऐड करे बिना यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट अलग से भी एक आइटम दिखा सकते हो चाहो तो ठीक है

और कब होता है जब वो पैसा हमें एडवांस में मिल गया होता है ठीक है पूरा क्वेश्चन अगर अभी भी आप पेपर में छोड़ के आते हो तो यार ये तो बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत शेमफुल बात होगी आपके लिए कि मैंने आपको सब चीजें करा दी हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन सेम पेपर में भी आ जाए अब इलेट्रेशन नंबर एटीन है ना जो वो एकदम डिट्टो सेम है ए की तरह तो मैंने सत्रह कराई अब मैंने आपको अठारह प्रैक्टिस के लिए दे दी होमवर्क दे दिया भाई होमवर्क प्लीज़ कर लिया करो कोई भी डाउट हो तो मेरे से टेलीग्राम के चैनल पे ग्रुप भी है हमारे उसमें ज्वाइन कोई नहीं होते आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया आपको सर्च करना है सी एम ए ठीक है ऑल इंडिया सी एम ए ये आप सर्च करोगे तो एक ग्रुप आएगा सी एम ए करके ठीक है उसके अंदर आपको ज्वाइन होना है ओके उसमें मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा उसमें मैं अपने नोट्स जो क्लास के जो भी होते हैं वो भी मैं डाल देता हूं ठीक है इसके बाद आपके यहां पे नाइनटीन है इलेटेशन नाइनटीन में कुछ एक अच्छी बात है वो इलेस्टेशन नाइनटीन थोड़ी अच्छी है ट्वेंटी है देन हमारे पास कितने यहाँ पे एक ट्वेंटी वन रिल है बस ट्वेंटी वन तो आप छोड़ भी सकते हो ये बहुत ही मैं क्या बोलूँ आपको ये मुझे नहीं लगता कि ये स्टेशन अब मतलब उस लेवल की रही है जो एग्जामिनेशन में पूछी जाए एक बाईस भी हमारे पास बाईस तक इलेन ठीक है जी बाईस में भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर सको आप बाईस भी कर सकते हो बाईस भी कर सकते हो यार लेकिन मैं ये बोलूंगा आप बाईस चाहो तो ना भी करो ठीक है प्रैक्टिस उतने क्वेश्चंस की करो जो अलग अलग हो टाइम बहुत कम है पेपर पे तो मैं आपको बस इलस्ट्रेशन नंबर जो है अब एक